जय हिंद, हम है संतोष यादव। झुकी बॉडी कैसे सीधा करें, यह बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। झुकी बॉडी मतलब क्या है? 90% लोगों का जो है लाइफ स्टाइल चल रहा है ना, उसकी वजह से उनका जो बॉडी है वो झुक जा रहा है। 90% लोगों का इसे हो जा रहा है। इससे क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस जो है लो लगता है, आप पूरा कॉन्फिडेंट नहीं लगते। आपके पर्सनालिटी पे भी ये फर्क डालता है और आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी स्पाइन ये झुकाने का काम करता है और आपका घुटने में भी पेन वगैरह का ये समस्या देता है। अगर ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देख लोगे तो एक हफ्ते में ही आपका जो पोस्चर है वो सीधा हो जाएगा और आपकी पर्सनालिटी आप बेटर बना लेंगे। टाइम वेस्ट करें, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए मेरे भाई। अगर आपका पोस्चर खराब हो गया, एक बात तो है, अगर आपकी बॉडी तगड़ी भी है और अगर आप झुक के चलेंगे ना, तब भी आपकी बॉडी झंड लगेगी, पर्सनालिटी झंड लगेगी। ये क्यों होता है? जब भी लोग बैठते हैं ना, सीधे नहीं बैठते हैं, वो इसे झुक के आगे बैठते हैं। मोबाइल चला रहे हैं, झुक कैसे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे कुबड़ बना के ही पूरा काम किया जाए। चल रहे हैं तब भी ऐसे थोड़ा सा आगे तरफ ऐसे झुक के ऐसे झंड टाइप से ऐसे चलते हैं। यही सब कारण होता है, डे बाई डे जो हमारी बॉडी है वो आगे की तरफ झुकने लगती है। और लोग सोते हैं तभी बहुत ऊंची जो है तकिया प्रयोग करते हैं और ऐसे करके गुड़मियाए के एकदम ऐसे लपेट के सोते, ये भी एक कारण है आपकी बॉडी झुकाने के लिए। तो मेरे भाई पहला काम क्या करना है, जब भी आप बैठ रहे हो आपका जो चेस्ट है वो अप होना चाहिए। कोशिश करो कि सीधे बैठो, ठीक है ना, ये आदत डालो। अगर आप पढ़ रहे हो, स्कूल में जाते हो, जब भी आप बेंच बैठो मेरे भाई, कभी भी ऐसे करके मत लिखना, ऐसे करके मत लिखना। इससे भी आप डे बाय डे देखोगे आपका झुकने लगेगा। तो जब भी बैठ रहे हो एकदम सीधे बैठो, जब भी चल रहे हो कोशिश करो कि सांस ऐसे जब खींच लोगे ना, जब एक सबसे बड़ी बात, जब आप चल रहे हो सांस ऐसे खींचोगे, जब अंदर चेस्ट आपका ऊपर हो जाएगा, चेस्ट ऐसे तान के चलो, कोई दिक्कत है क्या, किससे डरना है, चेस्ट तान के चलो। जब चेस्ट ऐसे खींच के चलोगे ना एकदम सुने के ऐसे तान के ऐसे चलने लगे, पिछवा की तरफ झुका दे, नहीं, एक सीधी लाइन बनाओ और चलो, कॉन्फिडेंट लगोगे, एकदम अच्छी पर्सनालिटी लगेगी, ठीक ठाक लगोगे। अब ये ऐसे कर चल रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे लग रहा है कि थके हारे सुस्त कोई आदमी आ रहा है। तीसरी की चीज, एक प्रैक्टिस ही बनाओ, कहीं भी खड़े हो, शीशे के सामने, अगर शीशा ना हो तब भी, एक अगर शीशा रहेगा तो सही रहेगा, शीशे के सामने थोड़ा 2-3 मिनट प्रैक्टिस किया करो इसे सीधे चेस्ट ऊपर करने का। ये प्रैक्टिस जब बना लोगे ना कि हमारी जो चेस्ट हमेशा ऊपर रहे और हमारा जो पोस्चर है वो हमेशा सीधा रहे, ये प्रैक्टिस आप बनाओ डे बाय डे, ये प्रैक्टिस आपको बनाना है। नहीं शीशा है तब भी खड़े होके, एक बार जब कहीं खड़े हो तो कोशिश करो कि हमें इसे टाइप खड़े हो ऐसे। थोड़ा सा कुछ दिन थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, 2-3 दिन आपको सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ नहीं सोचते मेरे भाई, आप ही फालतू सोचते हो। आपको कोशिश करना है चौड़े में रहना ऐसे सीधे करके, ये जब करोगे ना आपको पोस्चर सही होने लगेगा। अब उसके बाद करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के बारे में। क्या है ना, बहुत दिनों से आप दसम साल से इसे उल्टा सीधा करके अपनी पोस्चर झुका लियो, एक दिन ठीक हो गए नहीं, तो क्या कर सकते हो, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो आपकी हेल्प करेंगी एक ही हफ्ता में आपका पोस्चर सही करने में। कौन सी एक्सरसाइजेज है जो हमारा पोस्चर जो है ऐसे जो रहता है इसको ऐसे कर सकते हैं? पहली एक्सरसाइज आपकी हो गई मेरे भाई प्लैंक। प्लैंक पहली बात तो ये कोर मसल के लोग करते हैं सिक्स पैक बनाने के लिए, लेकिन ये सिक्स पैक के लिए नहीं होती, ये हमारे पोस्चर को एकदम सीधा करने के लिए बहुत धाकड़ एक्सरसाइज है। तो कैसे किया था प्लैंक, पहले पुशअप पोजीशन में आइए, उसके बाद आप क्या करिए, एक तो ये वाला प्लैंक कर सकते हैं बेसिक प्लैंक जो हमारा पुशअप पोजीशन में होता है। दूसरा प्लैंक क्या होता है, हमारी जो कोहनी है वो जमीन पर होगी और एक सीधी लाइन बना के पूरा एकदम सीधा अपनी बॉडी को सीधे रखिए, स्पाइन सीधी होगी, आपका ग्लूट सीधा होगा, आपका पैर सीधा होगा, आपकी जो नेक है वो सीधी होगी, सामने देखेंगे और एक सीधी लाइन बना के प्लैंक करेंगे। रोज सिर्फ अगर एक मिनट कर लोगे ना, ये आपका पोस्चर जो है बेटर कर देगा, जो झुकी टाइप को कुबड़ बॉडी निकले उसको सही करने काम करेगा, आपको एक सीधा धाकड़ पर्सनालिटी देने में ये हेल्प करेगा प्लैंक। दूसरी की एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, आप कोबरा पोज कर सकते हो। कोबरा पोज ऐसी एक्सरसाइज है ना जो हमारे कमर के लिए बहुत जबरदस्त होती है, कुछ लोग का कमर में दर्द होता है। दूसरी चीज, जो हमारा कुबड़ निकला होता है उसके लिए कोबरा पोज बहुत धाकड़ एक्सरसाइज होती है। कैसे किया जाता है, पहले आप अपने पुशअप पोजीशन में आ जाओ और इस तरीके से पुशअप करके, जैसे हिंदू पुशअप किया जाता है वैसे ही ये भी किया जाता है, आगे जाके होल्ड करना है हमें इस तरीके से, यह कोबरा पोज। कोबरा मतलब इसे नाक के जैसे जाओ और फन काट दो, इस तरीके को होता है कोबरा पोज। इसे भी आप हफ्ते में 2-3 दिन 1-1 मिनट कर लोगे, फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेचिंग से हमारा पोस्चर के साथ साथ हमारी पूरी ओवरऑल फिटनेस ग्रो होती है और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स के लिए और हमारे स्किन के लिए, हमारे मसल के लिए बहुत जबरदस्त होता है। सर का जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो है भैया, आप कर सकते हो चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज इन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू टू ग्रो योर पोस्चर, इंक्रीज योर पोस्चर। कैसे करना है भैया, आपको पहले इसे घुटने बैठ जाना है और अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और अपने ग्लूट्स को तानना है, मतलब इस तरीके से आपको करना है। ये है चाइल्ड पोज, बहुत बवाल स्ट्रेच है। ये 3 स्ट्रेच कर सकते हो, पहला आप कर सकते हो एक्सरसाइज में प्लैंक, दूसरा का कर सकते हो कोबरा पोज, तीसरा का कर सकते हो चाइल्ड पोज। ये तीनों पोज बहुत जबरदस्त हैं आपका जो पोस्चर उसे सही करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे भाई, आपने एक्सरसाइज तो कर लिया लेकिन फिर भी आप ऐसे करके चल रहे हो, आपने एक्सरसाइज तो कर लिया लेकिन फिर भी आप ऐसे करके बैठ रहे हो, आपने एक्सरसाइज तो कर लिया जहां खड़े हो फिर भी ऐसे होकर खड़े हो, तब आपका जो पोस्चर है कभी किसी का बाप नहीं सीधा कर पाएगा। प्रैक्टिस आपको डालनी है जब चल रहे हो चौड़े में, जब बैठे हो चौड़े में, खड़े हो चौड़े में, ई टाइप करोगे ना कसम से बता रहे हैं पूरा पोस्चर सही हो जाएगा। अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बवाल मचाते रहो और मेरे भाई अपना पोस्चर सही करो। जय।